हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो राइट नाउ आई एम इन जवार और आज हम लोग कवर करने वाले हिरटपाड़ा वाटरफॉल और खड़खड़ डैम, ये दो स्पॉट। अभी मैं हूँ जवार के बाईपास रोड पे, तो वहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले जो सामने दिखाई दे रहा है साकीनाका का सर्कल, और यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हो तो आप इसी रूट से दाबोसा वाटरफॉल, खड़खड़ डैम और हिरटपाड़ा वाटरफॉल के लिए जा सकते हो। तो चलिए चलते हैं। और जो लोग जवार के बारे में नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जवार एक फेमस हिल स्टेशन है विच इज लोकेटेड इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है और इसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑफिशियली टूरिज्म प्लेस करके डिक्लेयर भी किया है। यहाँ आने के लिए 3-4 रूट है, तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पालघर जो कि लगभग 68 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और दूसरा है इगतपुरी वो भी लगभग 68 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आपको लगभग 120 या 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अगर आप नासिक से आते हो तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप आराम से वन डे रिटर्न का भी प्लान कर सकते हो वीकेंड पर यहाँ आने के लिए। गोप्रो पाहिजे पण महाग ना, ते 35-40 पासून स्टार्ट होतो। म्हणजे त्याच्या आधीचा वर्जन आहे ना हिरो 9 प्रो, तो मी तो 35 पर्यंत, जो 10 प्रो लेटेस्ट आहे तो पारच जातो। फाइनली आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं हिरटपाड़ा वाटरफॉल। जैसे आप यहाँ पहुंचते हैं आपको तो सबसे पहले दिखाई देती है व्यूइंग गैलरी। तो यहाँ व्यूइंग गैलरी के नीचे काफ़ी जगह है, तो आप यहाँ पे कार या बाइक पार्क कर सकते हो और यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही नीचे उतरते हैं तो आपके सीढ़ियाँ लगती है, सीढ़ियों के थ्रू आप और नीचे जाते हो तो आपको एक व्यूइंग गैलरी दिखाई देती है। इस व्यूइंग गैलरी के थ्रू आपको इस एरिया का पूरा पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये हिरटपाड़ा वाटरफॉल है जो कि काफ़ी हाइट से बह रहा है, और अभी मॉनसून सीजन है इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फ्लो में बह रहा है। तो अभी इसको और नीचे जाके देखते हैं। ठीक इसी गैलरी के राइट साइड से नीचे ट्रेकिंग के लिए रोड है जो वहाँ तक जाता है नीचे, तो चलिए हम उसी रोड से चलते हैं। थोडा मान टेढी कर इकडे, चल अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हो तो आप किसी भी लोकल गाइड या गांव वाले की हेल्प ले सकते हो, वो आपको नीचे जाने में मदद कर देंगे क्योंकि उन लोगों को ये रोड ज्यादा बेहतर पता होता है। यहाँ पर जो ट्रेकिंग का रास्ता है वो काफ़ी सिंपल रास्ता है, तो यहाँ पर कोई भी आराम से ट्रेक कर सकता है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी किसी को भी।
काफी घनी झाड़ियों के बीच से रोड जाता है और रोड भी बहुत छोटा है, तो देखकर आइए। अभी बारिश नहीं है तो ठीक है, अगर बारिश होती तो ये रोड ज़्यादा स्लिपरी हो जाता, क्योंकि ऊपर से बहने वाले छोटे छोटे झरने उनका पानी का फ्लो पूरा नीचे आ जाता, तो ऐसी कंडीशंस में ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप वाटरफॉल के नज़दीक आते हो तो आपको ये थोड़ा पथरीला रास्ता मिलता है और यह पत्थर काफ़ी स्लिपरी है, तो आपको इनके ऊपर से जाना पड़ता है, तो थोड़ा संभल कर उतरिए क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी है। और जैसे आप वाटरफॉल के नज़दीक पहुंचते हो तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, पूरे फ्लो से वाटरफॉल बह रहा है। तो आप जब भी यहाँ आएगा तो नीचे उतर कर इस व्यू को एंजॉय कीजिएगा, काफ़ी खूबसूरत व्यू है, इट्स टोटली वर्थ है गाइस। यहाँ पर खूबसूरत वाटरफॉल का पानी देखकर अगर आपके मन में स्विमिंग करने की इच्छा होती है तो उसे बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग करना काफ़ी रिस्की है, तो बेहतर है आप साइड से किनारे से ही इस व्यू को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको फोटोज लेना है तो किनारे के साइड से ही फोटोज ले लीजिए, क्योंकि फोटो निकालने के लिए पानी में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो वो काफी रिस्की हो सकता है, तो वो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखें। पंद्रह बीस मिनट ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि खड़कट डैम। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और काफी ओवरफ्लो हो चुका है। खड़कट डैम इज द वन ऑफ द बिगेस्ट डैम इन दिस एरिया। तीन चार दिन लगातार बारिश होने के कारण खड़कट डैम पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है। आप देख सकते हो ऊपर जो पब्लिक दिख रही है वो साइड डैम है, और चलिए चलते हुए ऊपर जाके व्यू को एंजॉय करते हैं। खड़कट डैम बहुत ही बड़ा डैम है और यहाँ के जो आजू बाजू के गांव है उन गांव के लिए पानी सप्लाई करने के लिए खड़कट डैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एरिया में। खड़कट डैम ऑल्सो फेमस फॉर अ फैमिली पिकनिक स्पॉट।
सो दैट्स इट टुडेज वीडियो गाइज. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल गाइज. बाय बाय. थैंक यू सो मच.